हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण सिंह और मैं आज आपको लेकर आया हूँ चामुंडा माता मंदिर, जो कि फाई सागर एरिया में स्थित है और काफ़ी ऊंची पहाड़ियों पर यह अंदर की ओर है। यह एकांत एरिया में और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अजमेर का चामुंडा माता मंदिर। यहाँ पे नवरात्रे में अष्टमी नवमी को बहुत ही जोरों शोरों से मेला भरा जाता है। ये देख सकते हैं आप मेन गेट। ये चावड़ा माता का मेन गेट है। ये काफी प्राचीन मंदिर है अजमेर का। चावड़ा माता मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। हमें उस जगह जाना, उधर मंदिर है, पहाड़ पे एकांत एरिया में है। आप इधर से पीछे का नजारा देख सकते हो, ये पहाड़ की वादियों पर स्थित है ऊपर की ओर। ये देख सकते हो आप कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है यहाँ पे। सो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे, देखते हैं अंदर अंदर का सीन क्या होता है, आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं हम ये अभी ऊपर की ओर आ चुके हैं। ये अजमेर का देख सकते हैं, अजमेर कितना नीचे है यहाँ से। हम काफी ऊंचाई पे अभी, ये अजमेर है। ये चावड़ा माता का मंदिर ही बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ अष्टमी और नवमी को मेला भरा जाता है। ये देख सकते हैं जाने का रास्ता है। ये वीडियो देख सकते हैं, खाई है नीचे की ओर। वहां पे मंदिर है चावड़ा माता का ऊपर वाला, नीचे भैरू जी का मंदिर है। चलिए फ्रेंड, अब आगे की ओर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इधर पहले चावड़ा माता के मंदिर के ऊपर की ओर दर्शन करके फिर नीचे भैरू जी के दर्शन करने चाहिए, इसलिए हम अभी भैरू जी के दर्शन नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट सीधे ऊपर चावड़ा माता के मंदिर चलेंगे। हेलो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं सामने भैरू जी का मंदिर है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऊपर माता रानी के दर्शन करने के बाद में नीचे भैरू जी के दर्शन करने चाहिए। ये भैरू भगवान का मंदिर है। हम यहाँ से अब उस रास्ते से ऊपर की ओर चलेंगे। ये ऊपर जाने का रास्ता है या फिर चावड़ा माता मंदिर का। आप देख सकते हैं हम अभी काफी ऊपर आ चुके हो। ये चावड़ा माता मंदिर है। यहाँ अभी हम अंदर जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। चलिए तो चलते हैं हम आगे। आप देख सकते हो अभी यहाँ ये माला प्रसाद की दुकान है, यहाँ से अभी हम अंदर आए और अब हम अंदर दर्शन के लिए चलेंगे माता रानी के। ये चावड़ा माता का मंदिर, ये हम चल रहे हैं अब। ये देख सकते हो आप मंदिर, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अंदर माता रानी के दर्शन करेंगे अब चल के, बना सकते वीडियो अंदर लिखा हुआ। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं चावड़ा माता मंदिर है। हम इनके अंदर आ चुके हो, दर्शन करिए भक्तों। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हो पूरी होती है। आपको मैं दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। ये चावड़ा माता
चावड़ा माई की जो यहाँ पर जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है। तो फ्रेंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मंदिर का पीछे का नजारा भैया, ना ना ना। हेलो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना होती है मंदिर की। ये धूनी है यहाँ पर, यहाँ पूजा अर्चना होती है जो कि जोत वोत लगी रखी जाती है अष्टमी के दिन। ये आरती का सामान हो रहा है, ये माता रानी की एक ये देख सकते हैं आप, आरती के वक्त इनको बजाया जाता है। चले फ्रेंड, मैं आपको और मंदिर का आगे का सीन बताता हूँ। ये मंदिर देख सकते हैं आप, श्री गंगा मैया का मंदिर है, ये चावड़ा माता के अंदर की ओर है। ये गंगा मैया कुंड है, ये बोलते हैं काफी गहरा कुंड है, यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। ये आप देख सकते हैं इधर बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ बेल्ट पहन के जाना अलाउड नहीं है। ये मंदिर के बाहर का नजारा है, देख सकते हैं यहाँ अजमेर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। माता रानी का वीडियो है, माता रानी का प्रचार होगा अगर आप इसको सेंड करोगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।